इंग्लिश और हिंदी? हिंदी. देखिए, हमारी लाइफ में सरस्वती माता का बहुत अहम हिस्सा है. हम कला के पुजारी हैं, तो कला की देवी सरस्वती माँ है. तो इट फील्स ग्रेट, आई कम एवरी ईयर. और यहाँ पे दादा खुद खाना बनाते हैं एंड अभिषेक इज़ माई फ्रेंड. दादा के साथ मैंने काम किया है, सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर. मैम, खाने की बात करें तो खाने में क्या क्या स्पेशल आइटम यहाँ पे? सब आई थिंक बंगाली प्रेपरेशन होती हैं. और आई डोंट नो इट्स कॉल्ड, खिचड़ी थी, खीर थी, बैंगन के पकौड़े थे. और उस सब्जी का नाम क्या था? उस सब्जी का नाम क्या था? चौरचौरी. आई डिडंट गेट इट राइट. कुछ सब्जी थी और आलू गोभी था. आई लव इट. आपको इतने सारे वैरायटी में से कौन से आइटम सबसे ज्यादा पसंद है? खीर. और अनुराग सर की बात करते हैं, कुछ अनुराग सर नजर है, कुछ बातचीत करते हैं, कुछ सजेशन देते हैं पूजा के बारे में? पूजा के बारे में अनुराग इज ऑलवेज वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व. वो खुद खड़े रह के खाना बनवाते हैं, हर चीज़ को सुपरवाइज करते हैं. द होल फैमिली इज वेरी यू नो मच प्रेजेंट. उनके हर साल इतने गेस्ट आते हैं, सो आई थिंक इट्स अमेजिंग. ये इनका एक ट्रेडिशन है जो सालों से फॉलो कर रहे हैं. कल की बात करते हैं, कल काफी प्यार भरा दिन आ रहा है, वैलेंटाइन डे आ रहा है. वैलेंटाइन डे के लिए क्या प्लानिंग है, क्या कुछ? मेरी प्लानिंग, कल मुझे दो इवेंट्स के लिए जाना है और मेरी डांस रिहर्सल है. और शाम को मैं देखूंगी, अगर मेरे अंदर एनर्जी बची तो मैं दोस्तों को मिलूंगी. कुछ तो प्लान किया रहेगा. ऑनेस्टली मैं वैलेंटाइंस डे को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हर रोज़ ही वैलेंटाइंस डे होना चाहिए. हर रोज़ आपको अपने लव्ड वंस को मिलना चाहिए. हाँ, मैं अपने जितने दर्शक हैं मेरे उन सबको कहना चाहूँगी, थैंक यू फॉर लविंग मी सो मच एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू ऑल. अ बिग हग एंड अ बिग किस.